Hey, what's up, guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha, and you're watching Beat Blaster. So, guys, सबसे पहले तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023 आ गया है और होप सो ये वाला साल आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा और आप रहे। सभी इस साल में अच्छे अच्छे काम कीजिए। हाँ, सही बात, अच्छे अच्छे काम कीजिए, मेहनत कीजिए भाई साहब। सबसे पहली बात तो ये कि भरपूर मेहनत कीजिए और कुछ ना कुछ अचीव जरूर करें। अभी सोच लें कि क्या अचीव करना लास्ट तक और वो करके ही छोड़ना, तो हम भी सोचेंगे ऐसे ही। बाकी व्लॉग्स देखो हमारे, और आज की वीडियो होने वाली बड़ी स्पेशल वीडियो गाइस। ये बड़ी ज्यादा मुश्किल के साथ मैंने क्लिप्स एक एक जोड़ जोड़ के बनाई है ना, ये भाई साहब बड़ी मुश्किल से ढूंढी है। तो लेटेस्ट क्लिप्स हैं सारी की सारी, बीच में होंगी एक अधिक कोई होगी पुरानी। तो बाकी इसको प्ले करते हैं हम। एमसी स्टैन ने सभी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है कि ठग लाइफ भी बीच में, एटीट्यूड मोमेंट्स भी बीच में, सब कुछ बीच में, झगड़ा भी। तो इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। सो करें प्ले। अब जो भी घर वाला प्रियंका को नॉमिनेट करना चाहता है वो अपने सामने मौजूद बजर को दबाए और अपना हाथ उठाकर इस बात का संकेत दे कि उसने बजर दबाया है। ये क्या 80,000 मतलब? पाजी एक मीम है ना बड़ा फेमस, 80,000 का जूता तेरा घर जाएगा, तेरा घर जाएगा। मीम फेमस किसने करा भाई? ऐसा करने का क्या फिर? ऐसा करने का क्या ब्रो? फिर ऐसा करने का क्या? लाइन में खड़ा है सर भाई, उस सर को उधर, चलो चलो सर को, ए सर भाई भाई इंसान में शेरनी है, कुत्ता नहीं है, जानवर के नाम ले रही, के नाम ले रही, उसका भी सर उससे नहीं। क्या छपरी चाली मैं भी कर सकता, बट गलत है ना? गलत है, गलत सही क्या? तू क्या बिग बॉस है क्या? शेरनी तेरी माँ हूँ मैं, तेरी माँ हूँ मैं, आंटी है तू, आंटी है तू, चुप रह। चल शेरनी आंटी मत ज्यादा भोग मत। तेरी शक्ल देखे क्या एक्टिव है जैसे, तुझे नहीं पता कितने लोग शीशन जैसा मुंह इसका, शेरनी तेरी माँ हूँ मैं, तेरी माँ हूँ मैं, आंटी है तू, चुप रह। जो दो लोग हैं जो अगले राउंड में जाने वाले हैं वो है एमसी स्टैन। ये तो बड़ा खुश हो रहा है शालिन, ये सारे फॉर्न होते हैं। मेरे को ऐसे लगा, मैं क्या बोलते हैं स्टार के सेट पे आई ले स्टार प्लस। आई नो, मैं तो सूट भी बना रखा था, वैसा कैरेक्टर उसमें उतर ना आई ली। कितने लोग सिगरेट पीना सीखा रही इधर, दिखा दे, सिखा रहे, सिखा रहे, तू भी सिखा दे। अरे केले तेर से बात नहीं कर रहा, फोड़ डालूंगा सब लाइटर मैं, स्टाइल से देती हूँ इसी के स्टाइल से, फोड़ डालूंगा सब लाइटर, फोड़ के दिखाना। हाँ दिखाता, हाँ चल किधर चलू, चल ना जाना, तेरे आंटी के सामने सब बातें बोल रही क्या? चल मेरे को कहीं लेके आ रही है, तेरे केले को लेके जाना, मेरे को कहीं को लेके आ रही है। मैं तो इरिटेट कर, दो दो बॉयफ्रेंड चाहिए क्या तुझे? उसको लेके जाना। मैं जिसको लेकर जाऊंगी ले जाऊंगी, तू तो मेरे को क्यों बोल रही? चल मेरे को मत बोल, चल मेरे को मत सिखाओ, सिखा रही हूँ, सिखाऊंगी, रुक जा, मजदूर को खोदना मत सिखाओ, सिखाऊंगी ना, सिखाऊंगी इधर नहीं, वो इधर चलेगा, उधर सिखाओ। उसके लिए कैप्टन रूप में होना भी तो जरूरी है ना। शालिन को नहीं बोलते तुम, मंडली में घूमेगा तो तुझे कैसे दिखेगा कैप्टन रूप? इसने अभी तक आज तक नहीं करी कैप्टन रूम में, हाँ नहीं किया, क्या कर लेगा पता? अरे तू कुछ मत कर, अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अरे तू मत कर, तूने कुछ भी नहीं करूँगी, अब कर ले, अब पाड़ ले तू मेरी। चल तुझे तुझे फुटेज नहीं देनी। देखो बात नहीं गया ना तेरे अभी किससे, तो फिर हो जाएंगे इससे। अरे मेरे को मत बता शेमड़ी, चल चल फोट ले, इनके मतलब नहीं है इंसानियत रख जरा, उसको बीमारी हो गई, अस्थमा हो गई, उसको जाके चेक कर दलेंगे ऐसे लोगों को। सुनो मैं अभी सुनने का, चल निकल अभी की बात, शेमड़ी पागल है रहे क्या अभी बोलती? अच्छा मैं भी राडे डालेंगे, फुटेज सुबह सुबह कैसा फुटेज लेना है थी अब्दू के बाजू में की अब्दू फेमस है।
का ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ नाच के दिखाओ गोरी नाच के दिखाओ नाच के दिखाओ मैम सी देखो क्या कर रहा है यहां पे जिंदगी में पहली बार कर रहा मैंने मालूम है तुमको अच्छा ये वाला ठुमका लगाओ डेढ़ लाख में आतश नहीं इतना गोल्ड ये सुन इसमें मेकिंग चार्जेस पता कितने के कितना है 20 से 25 हजार मेकिंग चार्जेस है डेढ़ लाख में आतश नहीं इतना देखो इतने से आते हैं ये चार पट्टी दिख रही है डेढ़ लाख में तेरा ब्रांडेड होगा मेरा ब्रांडेड नहीं मेरा एड़े हो गए क्या तुम एड़े हो गए क्या बोल रहे हो अगर वो बोल रही है कुछ पादरे बात कर रहे तुम ये कितने का है फिर बहुत ये नहीं चे 5 हजार का हो ये चलो भाई लोग डरो वीरो मत भाई वैसे भी मत हाँ नहीं नहीं ये नहीं कटिंग कटिंग लाइन एमसी स्टाइल कॉन्फिडेंस अरे मैं कुछ पूछ रहा था आपसे बैठ जा यहाँ पे डिनर ही बैठता है ऐसे ही बैठ जा बिग बॉस से भी बोल दिया अब तो कुछ ने रावस फील आ रहा बिग बॉस और रावस लग भी रहे हैं छोटी सी बात उसकी बड़ा बड़ा पागल है ब्रो सही में मालूम क्या है जो उसने मंदे बैठे बैठे कुछ ही बात करी मेरे भाई जिगर है मैं कॉलेज जाऊं मैं भूख खाती हूं बचपन में मैं है मेरे वो इतना छोटा सा मैटर है उसने मेरे को गाली नहीं दी और जो कहता ना उसको मारते मारते मोर भी बना दूं मैं और सुन अभी जो तूने बोला ना दोबारा बोल भी मत दियो यहीं से उठाऊंगी यहीं से फाड़ दूंगी मैं समझा ना मैं बोल मुझे अभी इसमें बात कर लड़की हूँ मैं लड़की समझा हाँ ये दिखो अच्छे उसके साथ इसके स्टैंड है ना उसने बहुत बड़ी गलती करे लड़की नकली है लड़की तेरी तरह गाली नहीं दी उसने समझा मुझे चाटो उसकी चलो ये करो अच्छा है ब्रो तूने अच्छा करा था उस दिन ब्रो उसने नहीं दी मेरे को लाफत देने वाली बात सीने का लाफा दे घर में एक नए शख्स के आने का उसकी आंखें निकल गई यानी इस सीजन का पहला वाइल्ड कार्ड वाइल्ड कार्ड किसी की डंडे में ऐसे आ गया तुझे कैसे दिखेगा कैप्टन इसने अभी तक आज तक नहीं करी कैप्टन अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी अरे तू मत कर तूने कुछ भी नहीं करूंगी अब कर ले अब पाड़ ले तू मेरे अभी किससे तो फिर हो जाएंगे इससे मेरे को मत बता शेमड़ी अरे उसकी बीमारी है तो मेरे को तो मीनिंग मालूम है तो तू इस दुनिया को बता के शेमड़ी क्या है तो शेमड़ी है सर मेरे को नंबर 5 पे लगती नहीं क्या प्रियंका शेमड़ी सर उसके बाद में मेरे को नंबर 4 पे अर्चना लगती शेमड़ी सर मतलब है सर मैं शेमड़ी हूँ सर उधर से जो डायल है शेमड़ी ने क्या मैंने उसको कुछ बोला था सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता जाएंगे शेमड़ी ने क्या एंडिंग तक सर रावस एंटरटेनमेंट कर रही हो नंबर 2 पे मेरा भाई ने क्या सर मेरा भाई शिव चाकू का है रे बटर नहीं बटर नहीं सर उसने ले लिया चाकू एमसी स्टार जी बिग बॉस छुरी आप रख दीजिए उसकी उचित जगह पे आपको या किसी और को इससे चोट लग सकती है इस समय के लिए क्या बोला बिग बॉस ने सुनाई नहीं दिया था एमसी स्टैन उससे मत के लिए चोट लगने की डर है वो चाकू से खेल रहा था मैं नहीं खेल रहा था दूसरे को लगेगा या फिर तुमको लगेगा मैं बहुत खेले ले पहले नान चाकू नान चाकू भाई तू क्या सिखाएगी मुझे राजा बेटा मेरा है डाली कैसे तेरा मेकिंग तो वो मेरा है कल की आई हुई बातें बनाती है देख इसकी माँ कैसे तुझे सताती है प्यार प्यार करके मेरे बेटे को फसाया अब देख डायन तुझे कैसे न रुला यू बेटर कॉल मी क्वीन रील और द रील चाचा जा यहाँ से बन जाएगी बिना इज्जत के बात नहीं बनती बहू पीछे से बोल रही है चल हट आई बड़ी क्या था ये देखते ही रहो शिव मे कुमार क्या देखा अरे कौन भी हो जाएंगे वो क्या चिंता मालिक
नहीं लंगड़ा भाग रहा बस कल मैंने नहीं तोड़ा ना अगर हम एक नया लाइटर प्लीज नया लाइटर दो उसके बाद टूटा ना अगर गलती से हमारा लाइटर तोड़ दिया इन्होंने बहुत कुछ तोड़ लाइटर है मरने वाली है मेरी गर्लफ्रेंड इधर अरे मरने वाली तो उसके जनाजे पे जाना है क्या अंदर मैंने किसको अभी तक बोला नहीं तुम्हारा और उसका चालू है मेरा कोई चालू नहीं है ठीक है नहीं चालू मेरा चार बीवी परलोक सिधार गया है पर मेरा दो पति जमीन के नीचे गया है खंबा एक खंबा लाऊंगा रात को और दो क्वार्टर अरे क्वार्टर और खंबा तो तू पहले भी दे चुका है अब और क्या दे सकता है तू मेरे को संतरा संतरा और एक सुबह सुबह कॉफी मैं कॉफी दूंगा कॉफी हाँ रात जा अंदर यार मैंने मेरे क्या ये लोग नहीं ये तो नॉट पैसे की बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे अमीर पैसे की वजह से कोई नहीं आया हुआ है तो वो बात कर रहे हैं अगर बिग बॉस लाया हुआ है ना सबको अरे स्टैन सर अगर तेरे सामने तेरे बैग से पैसे या चेंज निकाल के भाग जाता है तो तू क्या करेगा और आप सुन ले आप पहले डिसली बोल रहे मत करो मत करो मत करो मत करो अब मैं रैप की तरह बोल रहा हूँ मत करो मत करो मत करो लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो ले जाते हैं आप क्या करते हैं स्टैन व्हाट द हेल वुड यू डू अगर सर मेरे सामने अगर लड़की रहती तो मैं उसको समझा रहता और दंड दिया रहता लाइक अगर लड़का होता तो लड़का हो रहता तो सलमान भाई भगवान है इंसान है सलमान भाई पादरे बात मत करो डायलॉग भी मत मारो हम समझाते हैं जो टीचर समझाते हैं तो तुमको समझ में आना चाहिए ना बात ये महसूस करते हैं कि इस घर में अगर आप रहे तो आपकी जान को खतरा है स्टैंड से भाई मान गया इसको पता अंदर कुछ कर नहीं सकते ये बाहर से डरता है ये लास्ट में दोस्ती करके जाएगा इसके साथ नहीं ये तब भी वायरस अर्चना मालूम पर नहीं मैं कौन है इसके साइलेंट पर एक है नहीं विषय बाहर जाके मालूम पड़ेगा करने की जरूरत है नहीं मैं वैसे ये भाई साहब बेस्ट ये हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते हैं चाहे फिर दोस्त सही हो या गलत हो क्या बात है भाई ये एक बेस्ट जोड़ी बनके निकल रही है मिसाल बनेगी देखना बाहर होता और ये ट्रॉफी होती तो ऐसे ही बलिदान देते क्या स्टार हाँ सर ले क्या है तेरा 80,000 का जूता और 35 का देखा सर देखा सर नहीं मेरे को बताया गया भाई मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ सर वो ऐसा सीन था कि मैं फ्लेक्स कर रहा था मैंने जिंदगी में मेरे फर्स्ट टाइम 80,000 का शूज लिया था वो शूज मैं फ्लेक्स कर रहा था मेरे लाइफ पे सर तो रैंडमली ऐसा फेमस हो गया कि 80,000 का और जितने भी स्नीकर हेड है ना तो उन लोग फुल ऐसा फील करने लगे कि हाँ 80,000 का शूज है ये वो तो उस पे रील्स बन गया सर क्या ऑन क्या सीन और कितने का जूता था 80,000 का था अरे तेरे को कौन टच करेगा तेरे को कौन टच करेगा मेरे को कौन टच करेगा गोल्डन बॉयज भाई साहब एटीट्यूड की बात कर रहे हैं तो कुछ भी बात मत कर मेरे साथ तू कुछ भी मत बोल हेट में एटीट्यूड वर्ड भी आपने ले लिया तो एमसी छोड़ क्या तू मारने आ रहा मेरे को कलेजा नहीं तुम कलेजा मेरे पास सब है दिखाऊं क्या मैं तुमको जिगरा बिगरा नहीं डबल है तुम दो मुंह के सांप है तुम मुंह पे बोलो मैंने क्या मुंह पे हो गया मुंह पे करे तू जरा पागल मेरे से बात मत कर अभी जो तूने
बोला ना दोबारा बोल ही मत दियो, यहीं से उठाऊंगी यहीं से फाड़ दूंगी मैं, समझा? अरे तमीज में बात कर, लड़की हूँ मैं, लड़की वुमेन का करके लड़की लड़की कहीं का लड़का है बोल रही खुद, लड़की जैसा रहो लड़का मत, लड़की जैसा रहो लड़का मत। तो गाइस ये थी वीडियो, अमेजिंग थी वीडियो थी, मज़ा आ गया भाई आज देख के इसको। और भाई मैं तो दिमाग में वही चीज़ थी मेरे कि वहाँ पे जो सबसे पहले स्टार्टिंग में बादशाह का वो आया था कपिल शर्मा शो में बादशाह आया था, तो बोला था कि भाई 80,000 का जूता मतलब क्या, तो उन्होंने कहा कि एक मीम था बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, इनको पता नहीं है मेरी मीम के पीछे की सच्चाई, अब पता लगे कि ये बादशाह पता नहीं कब आया होगा, कितने टाइम पहले, तो अब पता लगे होगी कि मीम कहाँ से जनरेट हुआ था, बिग बॉस देखा होगा ना, तो एम सी स्टैन था भाई जिसने कहा कि मैं ऐसे फ्लैक्स कर रहा था 80,000 का, मैंने इसे डाल दिया सोशल मीडिया रील पे, वो वायरल हो गया। बादशाह ने वही चीज़ की कि मीम था एक वहाँ से पीछे से जो और भी आए थे वहाँ स्टार्स को स्टार्स, तो उन्होंने ये चीज़ कही कि तेरा घर जाएगा इसमें, तो ये लाइन भाई एम सी स्टैन की थी। देखो आज कहाँ कहाँ चीज़ें कॉपी हो, एम सी स्टैन ही विनर बने बस, देखो क्या होता है ना, चाहता तो पूरा देश एम सी स्टैन को ही है और शिव को, मैं तो मेरे कमेंट्स भाई दो कमेंट्स आते हैं, कमेंट सिर्फ मेरे कमेंट सेक्शन में आएंगे, चाहे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं बिग बॉस की ना एम सी स्टैन वाली बनाऊंगा, चलो उनपे तो उनके ही आएंगे, बट जो बाकी बनाता हूँ कार्ड्स कलेक्शन या समथिंग कुछ भी, बस ये लिखते हैं कि भाई विनर्स बिग बॉस 16 विनर्स शिव एम सी स्टैन, शिव एम सी स्टैन, दोनों में से कोई भी जीत जाए ना ऑडियंस को कुछ नहीं होएगा, बस इन दोनों में से कोई एक जीतना चाहिए, तो पता नहीं क्या होता है, तो देखते हैं। बाकी मेरे ख्याल से ऐसा होगा कि एम सी स्टैन विनर रहेगा और प्रियंका सेकंड, शिव थर्ड, या मे बी फर्स्ट सेकंड आ जाए दोनों में ना, ये तो लास्ट में पता लगेगा। अच्छा लास्ट में जब नॉमिनेट होते हैं प्रियंका भी जाएगी, प्रियंका पक्का जाएगी, प्रियंका या जीत भी सकती है प्रियंका के भी। अच्छा नहीं तो लास्ट में जब नॉमिनेट होते हैं कितने बंदे रहते हैं लास्ट में टोटल? पांच होते बैठे होते, सो फिर पांच बैठे, पांच आते फिर तीन आते फाइनल, फिर दो आते हैं, पांच में से तीन तीन ऐसे दो दो करके एक आएगा लास्ट में जाएगी, भाई बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। पिछली बार देखा था मैंने 12-1 बजे तक है ना बाजी उठाते सामान करके ऐसे क्या विनर इज एमसी की बाजी जाएगी या शिव की जाएगी, उनको दोनों को होगा कि कोई भी बन जाए कोई वो नहीं है, बट एक ये कि यारी की मिसाल दोस्ती की मिसाल पक्की हो गई है और दोनों अभी इकट्ठे हैं, अब देखने को मिलेगा हम शिव हमें देखने को मिलेगा एमसी के सॉन्ग्स में भाई, अब आएगा मजा। तो बाकी ये थी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।